नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन जीवन सामान्य होने पर ही चुनाव बिहार में कराए जाएं और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने की जरूरत है। कुछ ऐसी बातें सब लोक पार्टी के अध्यक्ष अरुण कुमार, जो जहानाबाद से पूर्व सांसद भी रहे हैं, उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारे चिंतन में बिहार है, लेकिन सुशासन बाबू के चिंतन में चुनाव है। और हम जो हैं कोरोना काल में भी एक्चुअल रैली कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू पैसे के बल पर वर्चुअल रैली कर रहे हैं। और यदि एक्चुअल रैली होने लगी, यदि चुनाव जनजीवन सामान्य होगा उस समय होगा और एक्चुअल रैली होने लगेगी, तो सुशासन बाबू के जितने काले कारनामे हैं उसका भंडा फोड़ हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, आपको सुनवाते हैं। सरकार की यह बेचैनी उनके चिंतन में सिर्फ और सिर्फ सत्ता है और हमारे चिंतन में बिहार बचाना है, इसलिए हम रिस्क लेकर के संसाधन के अभाव में भी आवाम तक जाना चाहते हैं कि इतने तरह का घोटाला करने वाली सरकार, भ्रष्टाचार पैदा करने वाली सरकार आज सत्ता को किसी तरीके से काबिज करनी चाहती है। तो हमारा धर्म बनता है, चाहे खतरा जितना हो, हम आवाम तक अपनी बात पहुंचाएंगे। एक लोकतंत्र के सिपाही होने के हैसियत से मेरा यह धर्म बनता है, लेकिन चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने की ज़रूरत है। हम लोग न्यायपालिका से भी, चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि इस चुनाव को सामान्य स्थिति बहाल होने तक टाला जाए। तो आपने सुना, ये थे डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष हैं। नई नई पार्टी बनी है, यशवंत सिन्हा के अगुवाई में एक जनमोर्चा बन रहा है, जिसके साथ डॉक्टर अरुण कुमार भी साथ हैं। और सबको एक प्लेटफॉर्म पे पूरे विपक्ष को लेके आकर नीतीश के विरुद्ध चुनाव लड़ने की कोशिश जारी है, ताकि सुशासन बाबू से कहीं ना कहीं छुटकारा मिल सके, इस भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सके। ऐसी तमाम खबरों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।